तुम किसी बात का सीधे तरीके से जवाब क्यों नहीं दे सकते? तो क्या तुम्हें मोदी जी ने बोला मुझसे बात करने के लिए? ओ प्लीज नवीन, तुम बात को समझना ही नहीं चाहते हो। मैं बात को नहीं समझना चाहता है, तुम बात समझा नहीं पा रही हो। मिसेस गुप्ता का पार्सल पिछले 10 दिन से पड़ा है, हद होती है किसी काम को टालने की भी। देखो मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है, प्रेशर ज्यादा है मेरे ऊपर, मेरे लिए मेरी जॉब ज्यादा जरूरी है, तुम्हारे ये फालतू के काम नहीं। ओके फाइन। वैसे तुम्हें पापा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोला था, वो भी नहीं हुए अभी तक, क्या हो गया तुम्हें नवीन? तुम बदल गए हो। मैं बदल गया हूँ। सुबह से मैं अब आया हूँ यहाँ पे, न तुमने मुझसे पानी पूछा, न ढंग से बात की, और मैं बदल गया हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी ये मिसेज गुप्ता ज्यादा जरूरी है, मैं नहीं। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। जब तुम्हें बात नहीं करनी होती तो बहस करती क्यों हो तुम? अब मेरी बात का जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास, और जब तुम्हें बात करनी नहीं होती तो बात शुरू क्यों करती हो? प्लीज नवीन, लीव मी अलोन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। हाँ जा रहा हूँ मैं। जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ। क्या तुम आज मेरे साथ चलोगे? राशि को किस डिनर पार्टी में ले जाने की बात? मैं भी ना गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल देता हूँ। नेटवर्क के लिए जा रहा हूँ, चलोगी? ओके आती हूँ। अजीब पर्सनालिटी हो यार, दिन में कुछ रात में कुछ, अब इतनी रात में नाइट वॉक करने भला कौन आता है? ये मुंबई की नाइट वॉक है, कभी भी हो सकती है। आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? वो मैंने कुछ ज्यादा ही ओवररिएक्ट कर दिया था। कोई बात नहीं, मैं बिना कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल देती हूँ। कल मैं पक्का जाके मिसेस गुप्ता को पार्सल हैंडओवर कर दूंगा। एक्चुअली मिसेस गुप्ता को भी ना सोचना चाहिए, जो पार्सल पिछले 15 दिन से नहीं गया वो कल कैसे चला जाएगा? मैं भी तो वही कह रहा था तुमसे। सॉरी। इट्स ओके। पापा को भी मैं पैसे ट्रांसफर करने वाला था, बट तुम जानती हो नेट का प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, पापा भी ना मुझसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। चले। कहाँ? तुम्हें याद है मैं तुम्हें यहीं लेने आया करता था? हाँ, कैसे भूल सकती हूँ इस जगह को मैं, जब तुम कैब से मुझे लेने आते थे और बिल मैं पे करती थी। तो मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ। तुम्हारी फेवरेट कॉफी। अच्छा तो बटरिंग हो रही है आज? नहीं बटरिंग नहीं है ये, तुम्हें कॉफी पसंद है ना, इसलिए तुम्हारे लिए ली है, तुम्हारी फेवरेट कोल्ड कॉफी। मुझे ये नहीं, मुझे तो तुम पसंद हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता जैसे हम अभी हैं वैसे हमेशा रहें? मैं मानती हूँ लड़ाई झगड़ा हर रिलेशनशिप में होता है, लेकिन जैसे आज तुमने मुझे मनाया
हमने टाइम स्पेंड किया, क्या ऐसा हमेशा नहीं हो सकता? चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? समय देखा है, 5 बजने वाले हैं, दोनों के जागने का समय हो गया है। क्या बकवास सपना था। राशि को किस डिनर पार्टी में ले जाने की बात कर रही हो? चलो यार, आई हैव टू गो। डिनर पार्टी जिसके लिए करनाली खुद यहाँ टीवी में इनविटेशन देकर गई थी। इस घर में क्या किसी को खाने को नहीं? ओह गॉड, तो ये सपना था। हाँ, ये सपना ही हो सकता है, क्योंकि नवीन तो मुझे ऐसे प्यार करने से रहा। चलो, आई हैव टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। व्हाट? व्हाट क्या? आज सारा काम होगा कि नहीं होगा? काम? तुम्हें याद नहीं है, 10 दिन से बोल रही हूँ, मिसेस गुप्ता का पार्सल जाना है। यार तुम कमाल करती तो हो। घर के काम कौन करेगा? मैं करूंगी क्या सारे काम? तुम सारे काम करती हो, दिन भर बैठ के टीवी देखती रहती हो और मुझे बोल रही हो। मैं टीवी देखती हूँ? अरे तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा है मैं सीरिया में जाके रहने लग जाऊँ। तुम्हारा पति बनने से अच्छा है कि मानव बम बन जाऊँ और जाके कहीं फट जाऊँ।